सर की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वालिद साहब को करंट लगा है, वो काम नहीं कर सकते हैं। पाँच काम कहीं पढ़ा नहीं है, स्कूल भी पढ़ रहे। कितने क्लास में पढ़ते हैं? अभी सेवन में। सेवन में पढ़ते हैं, तो इससे कितना का गुजर बसर हो जाता है? 800-900 रुपया बन जाता है, जिससे मुश्किल ही करते हैं गाँव से। तो कहाँ काम पे बैठ के बनाते हैं ये? इधर ही बनाते हैं, ज़्यादा यहीं पर बनाते हैं। तो इसके अलावा मतलब ये कि और क्या करते हैं आप? ये जो ये तो पेंटिंग वगैरह हो गई, इसके अलावा और भी कोई चीज़ करते हैं या ये चीज़ करते हैं? तो किसी कोई बड़े पेंटर वगैरह ने भी आपको कभी बुलाया किसी जगह पे ऊपर कि भाई हमें पेंटिंग वगैरह बना के दें, या किसी और जगह पे आपको इस तरह वो लिखाई वगैरह करते हैं? एक दो जगह पे बुलाया था। अच्छा, तो फिर अकेशिया गार्डन में हम लोग मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे अंदर इंटरव्यू हैं, तो मस्जिद के साथ ही यहाँ पे एक छोटे भाई बैठे हुए हैं इरफान आर्टिस्ट के नाम से, थोथाल में रहते हैं। और ये जो पिक्चर हैं ये इन्होंने बनाई हुई हैं, ये सारी की सारी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो काफ़ी सारी पिक्चर हैं ये इन्होंने बना के यहाँ पे रखी हुई हैं, छोटी छोटी पिक्चर। तो ये अगर कोई आपसे कहे कि ये मुझे बना के दे, कितने में बना के देते हैं आप? 300 रुपये में बना के देते हैं। तो कितने अर्से से बना रहे हैं ये? एक साल से। दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो छोटे भाई हैं ये आपके शहर मीरपुर में नया आर्टिस्ट इरफान आर्टिस्ट के नाम से, थोताल हाल रोड सेक्टर E2, नंबर इनका ये मैंने दिया हुआ है 03-44-118-0225, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोई पेंटिंग, और इसके अलावा भी ये चूँकि पढ़ते भी हैं और अपने माँ बाप बहन भाई जो है उनका भी ख्याल रखते हैं, तो इनके लाजमी आप लोग सपोर्ट भी किए। कोई मैसेज पैगाम देना चाह रहे हो आप? आपसे जितना हो सकता है कोई काम वगैरह हो करवाना हो, ड्राइंग वगैरह बनवानी हो, जो करा सकते हैं आप मैं कर दूंगा बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि स्कूल कॉलेज में अगर आपको कोई कहे जी कि हमने पेंटिंग करानी है आपसे, आर्टिस्ट करानी है, जिस तरह वहाँ पे वो ड्राइंग वगैरह होती है, पेंटिंग होती है, तो आप कर सकते हैं? कर सकता हूँ। कितनी एक आप कितनी एक आर्ट वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे, जो मतलब जो जितने वो पिक्चर वगैरह बनाते हैं, जो आर्ट वगैरह बनाते हैं वो सारी बना लेते हैं आप? मुख्तलिफ कलर के अंदर जो दीवारों के ऊपर पेंटिंग वगैरह होती है वो भी कर लेते हैं? जी जी, बस वो सामान नहीं है मेरे पास, वो तो मैं वो कपड़े वाली वो मिलती हैं वो उनसे बना सकते हैं। तो ये भाई साहब हैं जी, मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाजमी जो है ना इनको यहाँ पे आप विज़िट भी करें और इनके साथ तआवुन भी करें। मैं नदीम सर मौजूद हूँ और मैं आज सभी दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारा जो चैनल था वो मोनेटाइज हुआ है और बहुत अरसे के बाद मोनेटाइज हुआ है, और इसमें बहुत सारी जो कावश है कोशिश है वो हम दोनों ने मिलकर तो की है, लेकिन उसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों को हम लाजमी याद रखेंगे इस मौका के ऊपर कि जिन दोस्तों ने हमारे इस मोनेटाइज होने में और शुरू दिन से हमारे साथ जो है ना वो तावन किया है, साथ दिया है। क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो है आप सबको पता है कि ज़्यादा व्यूज़ हैं और यूट्यूब के ऊपर लोग कम भी हैं, व्यूज़ भी कम हैं और लोग इस्तेमाल भी उस हिसाब से कम करते हैं, तो व्यूज़ का एक बहुत बड़ा मसला था, वाचिंग टाइम का बहुत बड़ा मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो हल हुआ है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम उसको अपने प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, न सिर्फ ये कि अपने प्रमोशन बल्कि हमारा जो एक सिलसिला चल रहा है कि हम हेल्थ एजुकेशन जो है इसके साथ साथ दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, जो भी एक चुपता हुआ क्वेश्चन होता है वो हम जो है ना इसके अंदर जो है ना वो रखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक कोशिश की है, पार्क के अंदर आए हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि एक आर्टिस्ट बच्चा है कि जो आर्ट बनाता है अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल, और उसकी फैमिली के बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि उसने अपनी वीडियो में बताए, तो वो आगे चल के हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि आज लोग लाजमी उसको इनकरेज लाजमी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच जी, आगे चल के वीडियो देखें तो उसके बाद फिर जो है ना हम नेक्स्ट इंशाल्लाह
आप तमाम लोगों को से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनको प्रमोट भी करें, उनको उनकी हौसला अफजाई भी करें, इंकरेज करें ताकि वो अपने माशी मुश्किल से आज़ादी पा सकें। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे।